नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के रुड़की की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ग्राम पंचायतों में पीएसी फोर्स के साथ ही मंगलोर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बिना परमिशन के रैली निकाले जाने और साथ ही इसलाह थाने में जमा किए जाने की भी यहाँ पर अपील की जा रही है। मंगलोर कोतवाली प्रभारी राजीव रोथान ने यहाँ पर बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। मंगलोर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स और साथ ही यहाँ पर पीएसी के जवानों के साथ मिलकर लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर, और साथ ही लाइसेंसी असलहे को भी यहाँ पर जो है जमा कराने को लेकर लगातार लोगों से अपील की जा रही है। त्रिस्तरीय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज मंगलौर पुलिस द्वारा जो है फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें ग्रामवासियों को सूचित किया गया जिनके द्वारा असले जमा नहीं कराए जा रहे हैं वो शीघ्र अति शीघ्र असले जमा करा दें, अन्यथा जो है नोटिस दिया जाएगा, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और सोशल मीडिया पर जो भ्रामक सूचनाएँ फैलाई जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई सूचना फैलाई जाती तो उसके अनुसार भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तो जो है भ्रामक सूचना फैलाने वाले पर भी कुछ दिनों पूर्व ही हमारे द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और जो है फिर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, LIU से भी वार्ता समन्वय स्थापित कर इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।